वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। करंट अफेयर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आपको हम एक चीज़ बता दें कि आमतौर पे सभी स्टूडेंट के मन में ये सवाल घूम रहा है कि सर करंट अफेयर जो है कि एग्ज़ाम डेट से कितने समय के पहले तक का पूछता है। तो हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि करंट अफेयर के लिए आपको समझना होगा, पहली चीज़ तो इस चीज़ को हम क्लियर कर दें कि जनवरी से लेकर के अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर हैं इम्पोर्टेंट, वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि खास करके डिफेंस से रिलेटेड, स्पोर्ट से रिलेटेड और जो पुरस्कार है उससे संबंधित रिलेटेड करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इससे पूरे करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। ये रही एक बात। दूसरी बात ये कि करंट अफेयर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई देश इस समय हाईलाइटेड है, जैसे नेपाल, मैंने बताया था कि नेपाल में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे अपने भारत की बात की जाए तो राजस्थान इस समय रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो रिकॉर्ड राजस्थान बना रहा है उस रिकॉर्ड को न पूछ के राजस्थान से रिलेटेड कोई और चीज़ पूछ लेता है। जैसे उसका मुख्यमंत्री पूछ लेगा उसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब ये तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन अब जयपुर के बारे में पूछ लेगा, है ना। तो जो चीज़ें होती हैं वो जोड़ के पूछता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई पुरस्कार है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो यदि वो 2019 में नहीं दिया गया है तो अब तक का करंट अफेयर क्या है, 2018 वाला करंट अफेयर है, है ना, क्योंकि अभी तक 19 में वो नहीं दिया गया है। तो पूछेगा कि करंट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो 2018 का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछता है। और जहाँ तक रही डेट की इस बार की बात, तो वो आपके एग्ज़ाम में जनवरी से लेकर अगस्त तक पूछेगा। और आप बिल्कुल मत घबराइए, जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक, हम सारे को एक एक बार करके और एकदम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आ गया है, बाकी के सारे क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम बता देते हैं। कह रहा है कि मुख्यमंत्री सुशासन एवं सहायक योजना का संचालन किस राज्य में किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री सुशासन एवं सहायक योजना याद रखेंगे, मुख्यमंत्री सुशासक एवं सहायक योजना, तो ये हरियाणा में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कह रहा है सेकेंड में क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में एशियाटिक गोल्डन कैट 6 रंगों की खोजी गई, ठीक है। एशियाटिक गोल्डन कैट की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हुआ, ठीक है। तीसरे नंबर में यहाँ पे हम देख सकते हैं, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस जगह पर ई फॉरनर ट्रिब्यूनल स्थापना को मंजूरी दी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा चौथा, यानी कि पंजाब, क्या हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट कह रहा है कि 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अब देखिए ये आपके सामने ऑप्शन है, 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, तो वो हैं 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले कौन हैं, जी बिल्कुल सही, रघुवीर चौधरी। कौन है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन है माय डियर स्टूडेंट, सॉरी रघुवीर चौधरी, अमिताभ घोष, क्या हो जाएगा अमिताभ घोष, यानी कि तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि क्या है, देखिए पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है, ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और ये जो 2017 में दिया गया था वो कृष्णा सोबती को दिया गया था, जबकि 2018 का अमिताभ घोष को दिया गया था, और 2019 में अभी तक नहीं दिया गया, ठीक है। जैसे ही वो दिया जाएगा, यदि अगस्त से पहले दिया जा रहा है तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, इससे संबंधित और भी सारे जो पुरस्कार हैं उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे और उसके बारे में बता देंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर कोई भी पुरस्कार कब शुरू हुआ था और पहली बार किसको दिया गया था और हाल ही में किसे दिया गया, ठीक है। इससे संबंधित हम अलग से वीडियो बना देंगे हर एक पुरस्कार के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। पांचवें में कह रहा है कि फोर्ब्स की सुरक्षा भुगतान की जाने वाले एथलीटों की सूची में सर्वोच्च रैंकिंग किसे प्राप्त है। यहां पे एथलीटों की बात हो रही है, सर्वोच्च रैंकिंग तो वो है जो कि लियोनल मेसी को प्राप्त है, ठीक है। चलिए सिक्स नंबर में कह रहा है कि 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।
प्रोटेन स्पीकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीरेंद्र कुमार को प्रोटेन स्पीकर नियुक्त किया गया है। सातवें नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा सिनाई प्रायद्वीप किस देश में स्थित है, तो सिनाई प्रायद्वीप जो है कि मिस्र में स्थित है, किस देश में, मिस्र में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किस राज्य में हाल ही में क्या हुआ था, गृह मंत्री पद पर एक महिला की नियुक्ति हुई थी, तो किस राज्य की महिला गृह मंत्री है हाल ही में जिसका नियुक्ति हुआ था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। जी बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ, ठीक है, महिला गृह मंत्री जो है कि नियुक्ति की गई है। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हुई है, इसे आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। 5 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हाल ही में आंध्र प्रदेश में की गई है, कहाँ पे की गई है, आंध्र प्रदेश में। टेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि चीन के सबसे बड़े बैंकों में शामिल बैंक ऑफ चाइना, कौन बैंक, बैंक ऑफ चाइना ने भारत में पहली बार शाखा कहाँ खोली है, इस क्वेश्चन को भी आप अपनी बुक में लिख लेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे खोली है, ये मुंबई में खुली है, मुंबई में, ठीक है, मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है। तो ये जो बैंक ऑफ चाइना है ये कहाँ पे खोली गई है, मुंबई में, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का है कि पूछेगा किसी ना किसी शिफ्ट में, ये ज़रूर पूछेगा कि बैंक ऑफ चाइना का जो है कि ब्रांच कहाँ पे खोला गया भारत में, मुंबई में, ठीक है। निपाह वायरस का प्राकृतिक होस्ट कौन है, तो निपाह वायरस जहाँ तक आपको पता है कि किससे होता है, फ्रूट बैट यानी चमगादड़ से होता है, किससे होता है, चमगादड़ से, निपाह वायरस, ठीक है। और हम आपको बता दें, जैसे सुअर से क्या होता है, स्वाइन फ्लू, और चिड़ियों से क्या होता है, खास करके मुर्गे से चिकन जो कि बर्ड फ्लू होता है, ठीक है, चिड़ियों से बर्ड फ्लू होता है, और सुअर से स्वाइन फ्लू, बाकी बैट से जो होता है यानी चमगादड़ से निपाह वायरस है। आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना का कौन सा राज्य विरोध कर रहा है, आंध्र प्रदेश की जो पोलावरम परियोजना है उसकी विरोध कौन सा राज्य कर रहा है, तो बताना यहाँ पे तीसरा यानी कि उड़ीसा राज्य जो है कि उसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो ये आज के 12 करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें जैसे कि मान लीजिए ये निपाह वायरस और ये बैंक ऑफ चाइना, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, बता दें आपको क्या क्या लिखना है, उप मुख्यमंत्री है 5 जो हैं कि इसको भी लिख लेंगे, गृह मंत्री ये भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपको प्रोटेम वाला भी इम्पॉर्टेंट है, और ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इतने क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे, बाकी के भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी चीज़ों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।